मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलकर बनती है सदा मेरी। जनाब वसीम बरेली साहब के खूबसूरत शेरों के साथ मैं थे तमाम मुअज्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम और दिल इस्तकबाल करती हूँ। नमस्कार, आदाब, खुशामदी। हिंदुस्तान की साझा समावेशी तहजीब का प्रतीक है मुशायरा। हमारी इस अनेकता में एकता को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुशायरों कवि सम्मेलनों का आयोजन इस आज़ादी को अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प प्रस्तुत किया है, आज का ये मुशायरा उन्हीं संकल्पों को समर्पित है। कला, कलाकार, कल्चर, कवियों और शायरों के प्रति हमारे माननीय मंत्री जी श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का खास प्यार और एहतराम है। इस शानदार हिंदुस्तानी अदब और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नकवी साहब लगातार काम कर रहे हैं। हमारे बीच देश के बहुत ही जाने माने सम्मानित एवं लोकप्रिय शायर हैं। तमाम शोरा के साथ हमारे आले जनाब मंच पर एक तस्वीर की गुजारिश करते हुए, ख्वातीनों हजरात, ये बहुत ही खूबसूरत सा पल है, मैं चाहूंगी कि तालियां बरसती रहनी चाहिए। और आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरे हमारी तहजीबी विरासत का आखिरी चिराग है, इन्हें रोशन और रवा दवा रखना हम सब का फर्ज है। यह बात हमने हमारी धरोहर के तहत समझी और उसे अमली जामा भी पहनाया। मैं नकवी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। मरकजी अकलियती मिनिस्ट्री की तरफ से अब्बास नकवी साहब ने जो आज यह मुशायरा मुनक्कद किया, उसके लिए बहुत ही मशकूर हूँ और इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। मुशायरा दरअसल हमारी तहजीब का हिस्सा है और ख़ास तौर से उर्दू तहजीब, जो हर साल कम होती जा रही है। नए बच्चे अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा रुजू हो रहे हैं और उर्दू जो हमारी तहजीब थी, कल्चर था, और ये उर्दू और उर्दू ज़बान और दूसरी ज़बानें, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो या इलाकाई ज़बानें हों, तब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से गुजरात तक, इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती को ऐसी तराशा है जैसे हीरे को तराशा जाता है। और इन ज़बानों ने और मुख्तलिफ मज़हबों ने जो हमारे मुल्क में अलग अलग किस्म के मज़हब हैं, मज़ाहिब हैं, धर्म हैं, वो एक हमारे मुल्क
उसमें जैसे रंग भरे जाते हैं किसी नक्शे में, उन बजबू की इस देश को अलग अलग रंग भरे गए, और इसीलिए ये देश हमारा मुल्क, जैसे श्रेष्ठ भारत की बात की है, उसका मैं दुख है कि लाजवाब ऐसा देश कोई नहीं है। और देश लाजवाब या महान या बड़ा साइज़ की वजह से नहीं होता है, आबादी की वजह से नहीं होता है, उसकी तहजीब, उसका कल्चर, उसकी खूबसूरती, उसके रहने वाले लोग, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, ये तमाम देशों से अलग हमारे देश को बनाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अकलियती मिनिस्ट्री की तरफ से मिनिस्ट्री और हमारे साथी अब्बास भाई अलग अलग इलाकों में न सिर्फ उर्दू और हिंदी के मुशायरे और कवि सम्मेलन करेंगे, लेकिन बहुत सारे इलाके जो मुल्क में हैं, साउथ में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, वो अपने आप को बिल्कुल दूर समझते हैं। अगर उनकी ज़बानों में भी अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम होंगे तो देश को और नज़दीक लाएगा, तो तब जाके ये वाकई में श्रेष्ठ भारत बनेगा। एक दफ़ा मैं फिर अब्बास नकवी साहब को बहुत बहुत मुबारक करता हूँ, दिल की गहराइयों से मुबारक। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.